नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन की यह कविता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मॉडिफाई करके जब सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट की, तो वो ये बताना चाह रहे थे कि चाहे जो हो जाए वो झुकेंगे नहीं। उधर इंडिया के चेयरमैन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वन लेवल अप जाते हुए कहा कि षड्यंत्र के तहत एक एक करके विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का भाजपाई काम जारी है। तानाशाही से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भाजपा को हराना होगा। उधर बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी बताएं, ऐसा कौन सा नेता है जो इनोसेंट है और गिरफ्तार किया गया है। सवाल यह है कि कैसे तय होगा कि वाकई ये इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र है या पकड़े जाने पर विपक्ष का विक्टिम कार्ड। आज इसी पर हम बात करेंगे, इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र या विपक्ष का विक्टिम कार्ड, क्वेश्चन मार्क। लेकिन इस पर जाए उससे पहले झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की है। हमने सरकार बनाने का दावा पेश किया, ये कहा है जेएमएम के नेता चंपई सोरेन ने। अभी सरकार बनाने का न्योता हमें नहीं मिला, ये कहा चंपई सोरेन ने। 22 घंटे हो गए हैं, जल्द प्रक्रिया शुरू हो, राज्यपाल ने कहा जल्द बुलाएंगे, ये चंपई सोरेन ने खुद कहा है। राज्यपाल महोदय से कहा कि हम भी इस विषय पर क्लियर है, हम जल्दी करने का है, इतना बोल दिया। उनका कहा कि दावा तो कल दिया है, जल्दी करने के लिए हम लोग अनुरोध किया है कि और राज्यपाल महोदय की तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। तो देखिए, चंपई सोरेन अभी अभी अपने साथियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात करके राजभवन से बाहर आए हैं। सीधे चलते हैं रजनीश और रुपेश के पास, जो लगातार आपको इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। रजनीश, चंपई सोरेन को न्योता अभी भी नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए बहुत उम्मीद के साथ ये पांचों लोग राजभवन गए थे। 3-4 बजे तक तो इन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि राजभवन से आज बुलावा आएगा, लेकिन जब बुलावा आया तो निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा था इन लोगों का, और इन्हें ऐसा लगा कि अब राज्यपाल इन्हें शपथ के लिए आमंत्रित करेंगे और फॉर्मली जो इन्विटेशन होता है राजभवन का, ओथ सेरेमनी का, वो दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से नाउम्मीदी हाथ लगी है महागठबंधन को, जेएमएम कांग्रेस को, क्योंकि राज्यपाल ने अभी भी कहा है कि वो विचार विमर्श कर रहे हैं, यानी कि आज इस वक्त तक झारखंड में कोई सरकार नहीं है और कोई सरकार बनने के अभी फिलहाल आसार नहीं दिख रहे हैं। अब राज्यपाल कब ये निर्णय लेंगे इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है। चंपई सोरेन यही कह रहे हैं कि जल्द करने की बात उन्होंने कही है, ये जल्द कब होगा इसको लेकर अभी कयास लगाए जा सकते हैं। मैंने आलमगीर आलम से भी बात की, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं और इस सरकार में मंत्री भी थे, उनका भी यही कहना है कि हम लोग उम्मीद के साथ गए थे लेकिन राज्यपाल ने अभी न्योता नहीं दिया है। ठीक है, मैं रुपेश के पास जाऊंगा। रुपेश, विपक्ष ये पूछ रहा है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और सेम दिन उनको मिल गया यहाँ पर न्योता बिहार में, और झारखंड में भी मुख्यमंत्री ने जब इस्तीफा दिया तो जो दूसरे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं वो 47 विधायक यानी कि बहुमत से ज्यादा का समर्थन पत्र सौंप चुके हैं, फिर राज्यपाल क्यों नहीं बुला रहे? देखिए, राज्यपाल के साथ संकट ये है कि ठीक बहुमत के लिए जो मुहाना होता है उसी मुहाने पर महागठबंधन खड़ी है। 43 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है, हालांकि दावा है 47 विधायकों के समर्थन का, लेकिन फिलहाल जो है 41 विधायकों का जो बहुमत है वो आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा जिसे हम कहते हैं, और 43 विधायकों का समर्थन इन्हें हासिल है जिसका पत्र सौंपा है। लेकिन राज्यपाल ने कहा है, जो भाकपा माले के विधायक है विनोद सिंह, उनसे मैंने बातचीत की, उनका कहना है कि सिर्फ कल तक का वक्त मांगा है कि कल वो बताएंगे, कल वो इतला करेंगे, कल तक का आप समय दे दीजिए, हम कुछ विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। ये विनोद सिंह ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए कहा कि हम कुछ विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं और विशेषज्ञों की राय के बाद ही हम कल के बाद हम बता पाएंगे कि क्या फैसला लेते हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि कल के बाद हम आपको सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे, ये बिल्कुल राज्यपाल ने नहीं कहा है कि कल के बाद हम बुलाएंगे। राज्यपाल ने कहा है कि कल के बाद राज्यपाल ने बोला कि हम कल बताएंगे, राज्यपाल ने ये नहीं कहा कि कल हम आपको न्योता देंगे, ये बड़ी बात आपने कही है। आप दोनों लोग मेरे साथ रहिए, ग्राउंड पर बहुत ज्यादा हलचल है इस वक्त झारखंड में, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। लेकिन देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि ये जो विपक्ष की चुनी हुई सरकारें हैं उनको अस्थिर करने की भाजपाई साजिश है और
सरकार कह रही है या बीजेपी कह रही है कि यह विपक्ष का विक्टिम कार्ड है, तो पहले आपको सुनाते हैं विपक्ष इस मुद्दे पर क्या कह रहा है, फिर सुनाएंगे बीजेपी नेता ने क्या कहा इस पर। कोई सरप्राइजिंग नहीं है जिस तरीके से विपक्ष पे एकदम फोकस लगाकर उनको उनके ऊपर अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ईडी सीबीआई आईटी के सारे जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं केंद्र सरकार के सामने, ये दुखद है। एक हेमंत बिस्व शर्मा तब कांग्रेस में हुआ करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं, अब भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाती। दूसरे हेमंत सोरेन वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आगे हार नहीं मानी, डरे नहीं, झुके नहीं, लड़ते रहे और आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उनको जेल में भेज दिया है। जो जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है और आने वाले दिनों में कई बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जेल में भेजेगी। ऐसा एक माहौल पैदा करें कि देखिए सब लोग ईडी और सीबीआई में फंसे हुए हैं, ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है, एक रणनीति और ये बिल्कुल राजनीति के खिलाफ है, लोकतांत्रिक राजनीति के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। पर हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और हम पीछे हटेंगे नहीं, हम डरे नहीं हैं। जो धमकाते हैं वो डरे हुए हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगी और 2024 के चुनाव में वो हारेंगे। जब वो हारेंगे उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जरूर चलाया जाएगा। तो जब हारेंगे बीजेपी वाले तब उनके खिलाफ हम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे, ये कहते हुए जयराम रमेश। लेकिन जल्दी से आपको सुनाते हैं कि थोड़ी देर पहले इसी मुद्दे पर बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद जब सामने आए तो उन्होंने क्या कहा। तीन मामले हैं इनके खिलाफ। पहला मामला है जमीन की लूट का, मैं बताऊंगा अभी। दूसरा मामला है अवैध खनन का, इलीगल माइनिंग। तीसरा मामला है कोयला की खदान में घोटाले का। तो उस तीन मामलों में अभी एक में इनकी पेशी हुई है, बाकी दो में कई मामले हैं तो एजेंसी वो बताएंगी। बहुत अच्छी टिप्पणी की संजय मयूख ने, भ्रष्टाचार में आपाद मस्तक डूबे हुए हेमंत सोरेन। तो अगर आप भ्रष्टाचार की कहानी करेंगे तो कार्रवाई तो होगी ना। और देखिए इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुजाता पॉल हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, मेरे साथ डॉक्टर तनुज खत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता, कंचना यादव हैं आरजेडी से और परिमल कुमार हैं जेडीयू से। आप सभी का स्वागत है और शुरुआत तनुज खत्री आपसे ही। देखिये राज्यपाल ने अभी तक न्योता तो नहीं दिया है लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कार्रवाई तो होगी अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो, और अभी तो एक ही मामले में कार्रवाई हुई है, तीन मामले हेमंत सोरेन के खिलाफ। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी एक नाकाम कोशिश कर रही है, उसने आग में हाथ डालने का काम किया है। आज एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से पूरा देश देख रहा है कि हेमंत सोरेन जी को किस प्रकार से जेल भेजने का काम ये लोगों ने किया, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ही इनके इनकी बेचैनी को और बढ़ाएगी। और जो रिपोर्ट अभी आप दिखा रहे थे, पड़ोसी राज्य है ना बिहार, चट मंगनी पट ब्याह के तर्ज पर क्या हुआ था, चट इस्तीफा पत शपथ ग्रहण, कुछ मिनटों का वो दौर था। और आज झारखंड इंतजार कर रहा है, कल रात से जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो इतनी देरी क्यों, 47 से लेकर के जब पत्र दे दिया 47 विधायकों का, हस्ताक्षर हो गए, परेड हो गई, वीडियो भी जारी हो गया, तब किस बात का इंतजार है। महाराष्ट्र में तो सुबह 5:30 बजे शपथ ग्रहण करवाते थे ये लोग। ये वही पार्टी है जो कोरोना काल में सरकारों को गिराने का काम किया।
आप करिए, आपकी जितनी शक्ति है उतना करिए, लेकिन आप सिर्फ तंग कर सकते हैं, चूहों की तरह सिर्फ तंग करना जानते हैं, और आप जितना तंग करेंगे हम उतना ही जंग करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। चूहों का काम ही होता है तंग करना। चूहा कभी वार नहीं करता है, चूहा कभी काटता नहीं है, चूहा सिर्फ तंग करता है। तो ये तंग करेंगे और हम जंग करेंगे, ये तंग करेंगे और हम जंग करेंगे। डॉक्टर अजय आलोक, आप तंग कर रहे हैं इनको, षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही कि भाजपाई काम जारी है विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का। चूहा हमको कह रहे हैं और माइंस खुद खोद दे रहे हैं। मूस मुटैया लोढ़ा हुई है, कहावत सुनी है ना, बड़े चूहे हैं ये लोग, रैटरपिलर है, माइंस का माइंस खोद देते हैं, ऐसे बड़े चूहे हैं। कोयला कहां से खा के बैठते हैं, ऐसा कोयला खाया कि खुद कोयले से ज्यादा मुंह काला हो गया, तभी शर्म नहीं आ रही है। तंग करेंगे, जंग करेंगे, खाक पत्थर जंग करेंगे। जब सवाल पूछा जा रहा है, 10-10 समन दिया जा रहा है, 10-10 समन का जवाब नहीं देते हैं, भागते हैं, भगोड़े मुख्यमंत्री हो जाते हैं। 42 घंटा पूरा देश खोजते रहता है कि कहां गया मुख्यमंत्री, खोजो कहां गया, उसे ढूंढो। और उसके बाद पता नहीं सुना कि मोटरसाइकिल उटसाइकिल कैसे कैसे भाग के आ गया, क्यों भागने की जरूरत थी। और आप ही बताइए जरा, मैं आपके माध्यम से सब दर्शकों से पूछता हूं, कल भी इनको पूछा था, ये जवाब नहीं दे पाए थे कि भाई ना नौकरी की ना व्यवसाय किया, ना शिबू सोरेन ने नौकरी की ना व्यवसाय किया, ना हेमंत सोरेन ने नौकरी की ना कोई व्यवसाय किया। ये शांति ने कहते हैं दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है, 250 करोड़ का बंगला कहां से ले आए? पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी वो बंगले में रहते थे, कल भी यही मैंने आपको और 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 एक मिनट एक मिनट, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में बात बोलते हैं, अरे बीच में मत बोलिए ना, सुन लीजिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए ना। दो बीएमडब्ल्यू कहां से ले आए? बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री वहां रहते थे। लगातार घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला, फ्री फंड का स्लेट है क्या? देखिए ऐसे डिबेट आप जो लूट रहे हैं देश, सुन लीजिए तनुज, आप जब बोल रहे थे तो कोई दूसरा नेता नहीं बोल रहा था। तनुज सुनना भी सीखिए, आपने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, आरोप लगाया, तो सुनिए ना सामने वाले को। आप जब बोल रहे थे, आप पे भी तो आरोप लग सकता है कि आप भी गलत बोल रहे थे, लेकिन कोई नहीं बोल रहा था, तो सुनना भी सीखिए। बोलिए डॉक्टर अजय आलोक, फिर मैं दूसरे प्रवक्ता के पास जाऊंगा। गौरव जी बहुत बड़ी बात है, आप ये सोचिए कि ये ऐसा केस, क्लोज एंड शट केस है, ये मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पे इन्होंने माइंस अलॉट कर ली, ये गलत है संवैधानिक तौर पे। उसी वक्त इस्तीफा होना चाहिए था जब पूरे मीडिया में ये खबर चली, इनके नाम से अलॉटेड था हेमंत सोरेन, कह दीजिए गलत है। और उसके बाद इनका वकील कहता है कि मुझसे गलती हो गई, कैसे गलती हो गई, बाकायदा प्रॉपर सरकारी गजट नोटिफिकेशन होकर माइंस अलॉट होती है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर माइंस अलॉट करवा लेते हैं। भ्रष्टाचार की अजीब सीमा है भाई, सब अरविंद केजरीवाल से ट्यूशन लेके आ रहे हैं, इनोवा इन करप्शन, नया नया भ्रष्टाचार करने का तरीका ढूंढो। कौन सा करप्शन को कान में बताते चलते हैं, मतलब हम ये पूछते हैं कि कहां इनोवा इन करप्शन, इनोवा इनोवा ऑफ करप्शन, नए नए आइडियाज ढूंढो करप्शन करने के। मतलब ऐसा ऐसा चीज है झारखंड में तो, जिसको देख के सब कोई को पता है। जमशेदपुर में इनके स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, जाके किसी से ही पूछिए, सब लाइन से बता देगा। दुर्गापुर में जितनी एंसिलरी इंडस्ट्रीज लगी है, सब में पैसा लगा हुआ है, सब कोई बता देगा। ईडी हर चीज की जांच कर रही है, ये तो पहला मामला है, दो मामले और हैं। ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट सर, ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, ठीक है, शौक है तो जेल है, जेल में आराम से बात कीजिए। सुजाता पॉल के पास जाऊंगा, कांग्रेस से हमारे साथ। सुजाता पॉल, अगर गलत नहीं किया है तो डर किस बात का, इस बात का क्या जवाब है? इस बात का पहले तो ये जवाब है कि भाई ये बताएं कि इस वक्त झारखंड की जनता को सजा कौन सी दी जा रही है और क्यों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ये है कि दूसरी तरफ उंगली तो आप उठाएंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 70,000 करोड़ में चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग बोलने वाले को ये उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिसको कहते हैं कि दरवाजे जिसके लिए बिल्कुल नहीं खुले हुए हैं वो नीतीश कुमार के साथ जाते हैं, और कैसे मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और मुख्यमंत्री उसी वक्त शपथ भी ग्रहण कर लेते हैं। झारखंड की जनता ने ऐसा क्या किया है? झारखंड की जनता की गलती को कोई बताएगा कि आज हेमंत सोरेन कस्टडी में है और झारखंड के पास सरकार नहीं है? क्यों नहीं है सरकार? जब नंबर है
जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के पास, तो क्यों रुकी हुई है अभी सरकार बनने से, क्यों रोका जा रहा है, कौन सी बाधा है? वही करना है जो मध्य प्रदेश में किया, जो महाराष्ट्र में किया, हाँ गोवा और मणिपुर कोई कैसे भूल जाएगा, और बिहार तो देख ही लिया हमने, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। और अच्छा, जिनकी आप बात कर रहे हैं चंपई सोरेन क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं, अभी उनकी एक बाइट आ रही है, सुन लेते हैं चंपई सोरेन क्या कह रहे हैं, फिर आता हूं आपके पास। बड़ा मजबूत है, अरे हमारा गठबंधन इतना मजबूत है कोई कुछ नहीं कर सकता। तो चंपई सोरेन कह रहे हैं हमारा गठबंधन मजबूत है, मजबूत है तो न्योता क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सवाल उठा रही सुजाता पॉल। सुजाता पॉल अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जाऊंगा डॉक्टर जालो के पास। देखिए, और जहां तक हेमंत सोरेन जी की बात है, तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा बनने को तैयार नहीं, वरना हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर भी तो आरोप थे भ्रष्टाचार के, भाजपा ने लगाए थे, आज उनकी गोद में बैठे हुए हैं। और आपको याद है वो प्रताप सारनायक महाराष्ट्र में, उनके बारे में भी बहुत बातें करी गई, कॉनराड सांगमा को कहा गया कि भ्रष्टाचारी है, परिवारवादी है, उसके बाद जैसे ही जीते तो उठा के फोन कर दिया अमित शाह जी ने और कहा कि हम आपके साथ सरकार में रहें। तो भाई बताएं ना, नारायण राणे हैं, कितने सारे, इनके बारे में जवाब दें अजय आलोक जी, क्यों नहीं बोलते, मगर ये बताएं कि झारखंड की जनता के साथ ये अति क्यों की जा रही है, झारखंड की जनता को सरकार। डॉक्टर अजय आलोक, ये सवाल है डॉक्टर अजय आलोक, सुनिए ठीक है, सुजाता पॉल ओके, डॉक्टर अजय आलोक ये सवाल तो है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार को 2 घंटे बाद शपथ दिला दी गई, झारखंड में भी तो सामने वाली पार्टी कह रही है भाई मेरे पास बहुमत है, आप मुझे मुझे न्योता दीजिए, मुझे शपथ लेने का मौका दीजिए, मुझे न्योता दीजिए, और इतने देर से न्योता नहीं मिल रहा उनको। देखिए, सबसे पहली बात कि मैं राज्यपाल महोदय का प्रवक्ता नहीं हूं, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और राज्यपाल संविधान के हिसाब से ही निर्णय लेता है, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे कहीं भी हो, यह कांग्रेस पार्टी मुझसे बेहतर जानती है। 125 से ज़्यादा सरकारों पर राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हमको आज संविधान का ज्ञान सिखा रहे हैं, तो राज्यपाल को अपना दायित्व खुद निभाने दीजिए, बेहतर है कि राज्यपाल के दायित्व में ना मैं कुछ बोल सकता हूँ ना कुछ बोल सकते हैं, होगा वही जो राज्यपाल चाहेंगे और संविधान के हिसाब से। एक मिनट, देखिए आज दिक्कत क्या है ना, आज दिक्कत क्या है कि जब भी मैं बोल रहा हूँ ये लोग बीच में बोल रहे हैं, जानबूझ चाहे ये हो खत्री भी हो, बाद में आरजेडी भी बोलेगी, भारतीय जनता पार्टी को न्योता मिलेगा, हम सरकार बनाने, भारतीय जनता पार्टी ने दावा पेश किया, किसको, भारतीय जनता पार्टी ने दावा पेश किया, नहीं ना किया, तोड़ फोड़ करने की, अरे राज्यपाल जाने किसको देंगे, हमने दावा पेश किया, कर नहीं पाएंगे तोड़ फोड़, क्योंकि सरकार तो बननी चाहिए कांग्रेस जेएमएम की, मगर ये बताएं, और एक सवाल है, इधर उधर मत जाइए, कब मिलेगा न्योता और कब मिलेगी सरकार झारखंड की जनता को, बस इतना बताइए। ठीक है ओके, तो आप बताने तो दीजिए मैम, अब बताने तो दीजिए, बोलिए अजय आलोक जल्दी से, फिर मैं कंचना यादव और परिमल जी के पास जाऊंगा। बीच में इतना चीखेंगी मैडम और खत्री जी कि कोई कुछ बोले नहीं, खाली इनकी बात चलते रहे, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, सर्टिफिकेट तो चिपका हुआ है चोरी का, भ्रष्टाचार का, कब मिलेगा न्योता, कब क्या होगा वो राज्यपाल जाने, 5.5 करोड़ के घोटाले में बेल लेके यात्रा कर रहे हैं ना, मुसलमान जोड़ो यात्रा, उसी में खुश रहिए आराम से, पहले अभी झारखंड यात्रा नहीं पहुंची है, पता नहीं कब से दोबारा ईडी का समान आएगा, तो दिल्ली के सड़कों पे उतर जाइएगा आप भी, आप लोगों तो वही है, शुरुआत आप ही ने की है ना, शुरुआत तो आप ही लोगों ने की है, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा हूँ, सरकार का झारखंड की रिवाइंड प्ले होते रहिए। आप तो इतिहास में कहां चले जाते हैं, ये बताइए कि झारखंड रिवाइंड प्ले होते रहिए, कब मिलेगी? अरे मैंने झारखंड में बीजेपी ने कभी दावा भी पेश किया है क्या, जो इतना बेचैन हो रही है, मैं सरकार किसकी, बीजेपी ने दावा पेश किया क्या, सरकार तोड़ने के लिए अभी से बेचैन हो गई है, इस्तेमाल करा अभी बेचैन हो गई आप, हेमंत सोरेन अभी बेचैन हो गई आप, तो अभी बेचैन हो गई आप, सुजाता जी आप अभी बेचैन हो गई, ओके चलिए आप लोग ऐसे बात करेंगे तो बाकी लोगों से कैसे बात होगी, ओके कंचना यादव आरजेडी से, कंचना यादव सवाल तो ये है जो बीजेपी बार बार कह रही है, आज भी उनके नेता का एक बयान आया कि एक नेता बताइए जो इनोसेंट हो, रुकिए मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं, कंचना यादव एक नेता बताइए जो इनोसेंट हो और जिसको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया हो, है आपके पास कोई ऐसा नेता का नाम जो इनोसेंट साबित हो गया हो?
गौरव जी, मुझे लग रहा है कि अजय आलोक जी अपने सहूलियत के हिसाब से अपना वाक्य बदल रही है। कह रहे हैं कि मैं राज्यपाल जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये ईडी का प्रवक्ता बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। आप ये बताइए कि सीधे 95% ईडी केसेस सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर है और 96% सीबीआई केसेस विपक्ष के नेताओं पर है। और आप अपनी रिपोर्ट देखे होंगे, इंडिया में करप्शन जो है 7 पॉइंट बढ़ गया है, 93rd पोजीशन पे आ गया है 85 पोजीशन से। लेकिन इस पर नहीं बोलेंगे, सरकार इनकी है लेकिन करप्ट विपक्ष है। वाह, क्या खेला है साहब। अरे तो विपक्ष के नेता क्या इंडिया में नहीं आते क्या? सुनिए सुनिए, आप और बता देती हूँ आपको, अगर इनसे कोई हाथ मिला ले तो उसका प्रमोशन हो जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, जैसे हिमंत बिश्व शर्मा, तो कोई उप मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर भी बन जाता है, जैसे शरद पवार। अगर हेमंत सोरेन जो है वो हाथ नहीं मिलाएंगे तो वो जेल जाएंगे, अगर तेजस्वी यादव हाथ नहीं मिलाएंगे तो उनको प्रताड़ित किया जाएगा, लालू जी को प्रताड़ित किया जाएगा, ये इनका चरित्र। अच्छा ये बताइए, आपको 2024 के पहले ही ये सब करना है? इतने सालों से जो कैसे सारे 10 साल में क्या कंक्लूजन निकाली सीबीआई, ये सीबीआई और ईडी पर भी सवाल बनता है या नहीं बनता है? 2024 के पहले आपने एक्टिव कर दिया, इसका मतलब मोदी मैजिक कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है सर, मोदी मैजिक जैसा कोई चीज नहीं है, ये भय है मोदी जी का ईडी और सीबीआई। ठीक है अजय आलोक, जवाब दीजिए 20 सेकंड, परिमल जी के पास जाऊंगा इसके बाद। अजय आलोक 20 सेकंड इनको। गौरव जी एकदम बिल्कुल, मैं सच बोल रहा हूं, आज बिल्कुल विश्वास हो गया एक मुहावरे पे, ये चोर चोर मौसेरे भाई, गजब शिबू सोरेन हेमंत सोरेन की बैटिंग हो रही है। अरे परसों ही ना तेजस्वी से पूछ के गई है ईडी, जवाब नहीं दे पाए उसके, ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति निकाली कि 350 करोड़ के बंगला के बारे में पूछा कि 4 लाख में कैसे खरीदा, 350 करोड़ का बंगला 4 लाख में कैसे खरीदा, जवाब नहीं मिला। ये देखिए चोर चोर मौसेरे भाई, इसी को कहते हैं। समर्थन में सबसे पहले कौन उतरा, सबसे पहले समर्थन में कौन उतरा शिव सोरेन के? कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, तो इसको क्या कहिएगा चोर चोर मौसेरे भाई? गठबंधन में है तो समर्थन, इतनी दिक्कत है तो कोर्ट में चले जाते, गठबंधन में है भाई, बात गठबंधन की नहीं है, बात डेमोक्रेसी की है। करप्शन का भी समर्थन करेंगे क्योंकि गठबंधन में है, आपने नहीं देखा, चोरी चोरी का भी समर्थन करेंगे, 8 वोट आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, इन्होंने विवलित कर दिया, मतलब चोरी करके नहीं का समर्थन करेंगे, ये डेमोक्रेसी की हत्या है। ठीक है आज ओके, बात हो रही है हेमंत सोरेन की, मैं परिमल कुमार जी के पास जाऊंगा। बड़ा अच्छा सवाल आया कि गठबंधन में है तो क्या चोरी का भी समर्थन करेंगे? परिमल कुमार ज्यादा दिन नहीं हुआ, एक मिनट कंजना यादव रुकिए, परिमल जी ज्यादा दिन नहीं हुआ जब आप लोग बीजेपी पर तमाम तरह के चोरियों के आरोप लगाते थे, आज गठबंधन में आ गए तो क्या आज दाग अच्छे हैं? नहीं देखिए, हमारी जो पार्टी है वो जीरो टॉलरेंस रेट क्राइम कंसर्न एंड कम्युनिटी पर आधारित है, हम किसी के भी साथ हो अपने मौलिक अवधारणा से मौलिक विचारधारा से कभी डेविएट नहीं करते। जहां तक जांच एजेंसियों का प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति पब्लिक लाइफ में है तो निश्चित रूप से उस पर अभियोग लगे हैं तो जांच होने दीजिए ना। इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज द मोस्ट लिबरल जुडिशियल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि आप पर अभियोग लगे हैं तो जांच एजेंसी तो जांच करेगी ही। ये चीज आप लोग को बीजेपी के साथ आने के बाद पता चली परिमल जी, क्योंकि यही विपक्ष कह रहा है। परिमल जी सुनिए सुनिए, परिमल जी सुनिए, विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि ये आप आ जाते हैं साथ में तो आपके सारे दाग धुल जाते हैं, और जब तक आप विपक्ष में रहते हैं आपके खिलाफ सारी चीजें हो जाती हैं। मैं तो उल्टा, मैं नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं तो उल्टा सवाल पूछ रहा हूँ। परिमल जी मेरा सवाल सुन लीजिए, परिमल जी मेरा सवाल सुन लीजिए, एक साथ नहीं बोलते, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वही जनता दल यूनाइटेड जब अभी एनडीए में दोबारा वापस नहीं आई थी, तब चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे आप हो, तमाम लोग बीजेपी की 25 खामियां बैठे बैठे 25 सेकंड में गिना देते थे। आज वो खामियां खत्म हो गई या गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं जिसको निभा रहे हैं आप? नहीं देखिए, आलोचना के लिए सीमा होनी चाहिए और आलोचना सकारात्मक होनी चाहिए, और हम हमेशा जब विपक्ष में रहते हैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ये लोग मौलिक रूप से, यदि आप सभी जो अभी जो घटनाएं हुई है उसको यदि ध्यान से देखें, प्रतीत होता है कि परिवारवादी और वंशवादी पार्टियां ही मुख्य रूप से इस तरह के घोटाले में संलग्न है, और ये गठजोड़ बनाकर, अरे इंडिया गठबंधन का गठन या इनके जो पायलियर हमारे आदरणीय नीतीश कुमार थे, उनकी मंशा थी कि प्रभावी अल्टरनेटिव को जनता के सामने उपस्थित करना। लेकिन इन लोगों की तो कोई प्रजातंत्र और लोकतंत्र में कोई आता ही नहीं है, ये तो अपने घोटाले को छिपाने के लिए लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं। देखिए मैं उदाहरण देता हूं, तो ये बात आपको 2 दिन पहले ही पता चली परिमल जी? पहले भी हम लोगों ने अब तक कहा था, जब भी
हमारे किसी लीडर ने कभी भी सीबीआई और ईडी की प्रत्यक्ष रूप से आलोचना कभी नहीं की। चलिए ठीक है, सुजाता जी के पास जाओ। दुनिया और सीबीआई और ईडी जो जांच करती है, जांच ही नहीं होगी तो जुडिशरी किस आधार पर अपने अंतिम निर्णय लेगा? तो नहीं, बाकी मुझे लगता है नेताओं की मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है, आपको देख के ही लग रहा है। फिर भी सुजाता पॉल मुझे ये बताइए, सुजाता पॉल, सारी बातें एक तरफ, चाहे खून 100 हो चाहे खून 1 हो, सजा तो फांसी होती है। तो चाहे विपक्ष के, चाहे 2014 से पहले 25 नेता पकड़े जा रहे थे और 2014 के बाद 250 नेता पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है तो कार्रवाई हो रही है, ये बीजेपी का तर्क है। ये बीजेपी का तर्क हो सकता है, पर मगर 95% अगर विपक्ष के नेता अरेस्ट हो रहे हैं और वो चुनाव के पहले ये पूरी जोर लगा के कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। टोटल केसेस ईडी के 5500 के आसपास हैं और 23 है कन्विक्शन, तो इसका मतलब है कि प्रताप परिमल जी, दोनों एक साथ मत बोलिए, परिमल जी दोनों एक साथ मत बोलिए, सुजाता जी का टर्न है। जी मुझे जेडीयू टर्न पार्टी के बारे में जरूर ये बात कहनी है कि ये कह रहे हैं जब भी हम विपक्ष में होते हैं, ये विपक्ष में रहे कब? ये तो लव मैरिज करते हैं, फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने लगते हैं, फिर डिवोर्स दे देते हैं, फिर वापस उसी बंदे से शादी कर लेते हैं, तो इनका तो कहना ही क्या है। ये जो बातें कह रहे हैं ना, इनको कहिए कि ये अपने गिरबान में झाके, क्योंकि ये कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं। सच्चाई है कि चंडीगढ़ में हमने देखा कि कैसे। चलिए ठीक है, जेडीयू के बारे में आपका ये असेसमेंट हो सकता है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, सुजाता जी मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप ये विपक्ष का विक्टिम कार्ड क्यों ना माने? 95% विपक्ष नेता हैं, तो उनको किसी ने रोका है? देश में एक जुडिशियल प्रोसेस है, जाइए अपील कीजिए, वहां से आप साबित कीजिए कि आप इनोसेंट हैं और फिर इन पर मुकदमा करिए जो आपके खिलाफ झूठा आप कार्रवाई कर रहे हैं, आपको किसने रोका है? अच्छा, एक मिनट रुकिए परिमल जी, तो मतलब एक पार्टी तो सत्ता पे काबिज होकर सरकार को गिराएगी और दूसरी पार्टी जो है वो चुनाव भी ठीक तरीके से लड़ नहीं पाएगी, यही कहने का मतलब है भाई। कोई करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हेमंत सोरेन तो क्यों, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा क्यों दे दिया? लेकिन हेमंत सोरेन कह रहे हम सही नहीं है, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम सही है, हेमंत सोरेन कह रहे हमने कुछ गलत नहीं किया, हम झुकेंगे नहीं, तो फिर इस्तीफा क्यों दे दिया उन्होंने? गौरव जी मैं क्या कह रही हूँ, वो कार्यवाही अगर हो रही है तो वो अलग चलने दीजिए ना। अब आप सरकार को क्यों अस्थिर कर रहे हैं? आप क्यों इस वक्त ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि पूरी झारखंड जो है, झारखंड की जनता वो परेशान होगी? मेरा तो ये सवाल है, क्योंकि सच्चाई है कि विपक्ष का कोई भी नेता हो उसको नहीं ईडी कभी बुलाती, ये कमाल नहीं है? अगर हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर सवाल उठे हैं और इन्होंने उठाए, कॉनराड संगमा के ऊपर, नारायण राण ने, इन सब को अपनी पार्टी में लेके वॉशिंग मशीन के अंदर। देखिए, इसी पर एक बड़ी खबर आ रही है, हेमंत सोरेन पर TV9 से बोले हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, हेमंत सोरेन के मुद्दे पर ही TV9 से बोले अनुराग ठाकुर, हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, मुंह छिपाकर भागते रहे हेमंत सोरेन, ये कहा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, विपक्ष के भ्रष्टाचार को जनता देख रही है। सुनिए क्या कहा अनुराग ठाकुर ने TV9 से बात करते हुए, खासतौर पर झारखंड में इस वक्त जो सियासी घटनाक्रम है, क्योंकि जब मैं बात कर रही हूँ आपसे उस वक्त ही राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए चंपई सोरेन पहुंचे हैं और लगातार JMM की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से कहा यह जा रहा है कि बुलाया नहीं जा रहा है हमें सरकार बनाने के लिए, हवाई जहाज भी उन्होंने रेडी रखा है ताकि अपने विधायकों को वहां से लेकर जाए, उन्हें डर अभी भी सता रहा है, कह रहे हैं आंकड़ा है बहुमत का, क्यों डर रहे हैं वो? देखिए, कुछ पार्टियों को आदत पड़ गई है झूठे आरोप लगाने की। जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी आरोप लगाते हैं कि उनके साथ विधायकों को संपर्क करने का काम किया, तो ना आज नाम बताया, ना 2 साल पहले जब कहा था कि 25 विधायकों से संपर्क किया ना तब नाम बताया। तो मैं चैनल वालों से भी कहना चाहता हूं कि इनसे जरा जाकर पूछिए कि किनसे कौन संपर्क करता है, पहले तो अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए। दूसरा, जहां झारखंड की बात है, एक प्रक्रिया है, वहां का मुख्यमंत्री गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते आज जान से भाग रहे हैं, जो मुंह छिपाकर दिल्ली से भागे, भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे पाए। सरकार देश में अलग जगह बनती है जी, बने, कौन मना करता है, लोकतंत्र में यही तो है।
लेकिन अगर आप चुनाव हारे तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़े। तो मैं कहता हूं कि कई बार कुछ लोगों को आरोप लगाने की आदत पड़ गई है। आखिरकार राज्यपाल जी को उसका अध्ययन करना पड़ता है, अध्ययन करने के बाद उसको समय दिया होगा, क्योंकि फिलहाल हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन का यह कहना है कि आदिवासियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इस वजह से हमें टारगेट किया जा रहा है। आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा काम किसी ने देश में किया है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। यह कहीं नहीं लिखा कि आप भ्रष्टाचार करें फिर अपनी जाति का उपयोग करें। भ्रष्टाचार किसी ने भी किया हो उसको जवाब देना चाहिए। आखिरकार किसके हक की जमीन थी जो झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपने नाम पे करवा ली? यह हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, क्या देश की जनता को इसका जानने का अधिकार नहीं है? ठाकुर जी, क्या आप कहते हैं कि ट्राइबल होने के पीछे कोई भ्रष्टाचार करे तो उनसे सवाल ना पूछा जाए? बीजेपी की जाहिर सी बात है नजर बनी होगी झारखंड के घटनाक्रम पर। क्या फिलहाल इस तरह के हालात दिख रहे हैं कि यहां पर अस्थिरता रहेगी अभी कुछ और आने वाले समय तक? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज ये 5 साल से हल्ला मचा रहे हैं झारखंड में कि हमारी सरकार तोड़ लेंगे हमारे, अरे इनसिक्योरिटी तो इनमें है, अविश्वास तो इनकी पार्टी में है। कभी कांग्रेस चलाती, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा चलाता है। हमने ना ऐसा कोई प्रयास किया है ना हम कर रहे हैं। अजय आलोक, एक लंबी फेरिस्त में आपके सामने रखना चाहता हूं। नीतीश कुमार, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, शुभेंदु अधिकारी, ओम प्रकाश राजभर, उपेंद्र कुशवाहा, मिलिंद देवड़ा, जगदीश शेट्टार, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, एसडी कुमारास्वामी, इनमें से कुछ हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए, इनमें से कुछ हैं जो अपनी पार्टी के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गए, इनमें से कुछ हैं जिनके ऊपर ईडी के मामले भी चल रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या है, क्या इन पर कार्रवाई चल रही है, आगे चलेगी, या क्या स्टेटस होगा इन नेताओं का? किसी के ऊपर ये भी कार्रवाई चल रही है, कोई कार्रवाई बंद नहीं हुई है। जो जो न्यायालय से बरी हो गए हैं, जैसे हेमंत विश्वा शर्मा, सारे मामलों में न्यायालय से बरी हो चुके हैं। और उन्होंने केजरीवाल को खुली चुनौती दी थी कि दोबारा बोल के दिखाओ, मानहानि का मुकदमा करूंगा, तो केजरीवाल भाग गए दिल्ली विधानसभा के अंदर। जरा मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि भैया 4 से 14 तो आपकी सरकार थी ना, उस वक्त सबसे ज्यादा केस किस पे हुए थे? सत्ताधारी दल के लोग के ही हुए थे क्या? उस वक्त ईडी सीबीआई हम कंट्रोल करते थे? जरा बताइए तो। और दूसरा, थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए आप लोग, सुजाता जी, बाकी लोग, लोकसभा में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सरकार ने स्टेटमेंट दिया है, मिनिस्टर ऑफ होम स्टेट ने स्टेटमेंट दिया है कि ईडी की कन्विक्शन रेट 94% है, 94%, ठीक है ना। दूसरी बात, 5,409 केसेस में 85% केसेस जो हैं वो बिजनेस हाउसेस में, बिजनेसमैन पे, ऑफिसर्स पे हैं, मात्र 15% केस राजनेताओं पे हैं। उसमें सबसे ज्यादा चोर आप ही लोग निकलिएगा तो ये हमारी गलती है? कुछ मिलता है तब ना लोग पकड़े जाते हैं? हमने कहा है कि करो चोरी, बड़ा जोर जोर से आरजेडी के लोग बोल रहे थे, हमने कहा था 350 करोड़ का बंगला खरीदने के लिए। नहीं तो फिर अजय जी फिर लालू यादव को बताना चाहिए, लालू यादव सुनिए, आपको देश को यह बताना चाहिए कि बीजेपी के पास वो कौन सा मैजिक स्टोन है, वो कौन सा मिडास टच है जहां सारे नेता उसके साथ जुड़ने को तैयार रहते हैं। देखिए ऐसा है ना कि जहां नेतृत्व मजबूत होता है, नेतृत्व परिपक्व होता है, तो वहां पे लोगों की जुड़ने की इच्छा होती है, ठीक है ना। आपका नेतृत्व कमजोर है, क्यों डर सता रहा है भाई? बहुमत है तो डर क्या, जो प्लेन वेन लगा के बैठे हुए हैं, अगर बहुमत है तो वहीं टिके रहिए, कौन ले जाएगा? अगर नेतृत्व में आस्था है, विचारधारा में आस्था है, तो कौन ले जाएगा? अपना घर संभल नहीं रहा है, दोष हमको, कंचना यादव, ठीक है। बात, हम यहाँ अपना घर संभल नहीं रहा है, दोष सामने वाले को दे रही है। समय कभी कंचना यादव से और बोलूंगा, अच्छा बोल लीजिए। आपकी नहीं, आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति है, आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति है, हमेशा याद रखिएगा। आपकी विपत्तियों का फायदा उठाना हम कभी नहीं छोड़ेंगे, मतलब आपको और विपत्ति में डालेंगे। मतलब ये पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, पोल मास्टर्स हैं, और आपके पास इनका जवाब नहीं है तो आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। कंचना यादव, विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले हम नहीं है। लालू जी वो नेता है जो कभी झुके नहीं और जो कभी झुकेंगे नहीं, और आप तेजस्वी जी को भी देख लिए होंगे और सुन लिए होंगे। ये यूपीए की सजा याफ्ता भी है, सुन लीजिए, सजा याफ्ता भी है, सजा याफ्ता भी है। ज्यादा परेशान मत होइए, ज्यादा बेचैन मत होइए, सुन लीजिए। यूपीए सरकार में 50-50% होता था, अगर 50% सत्तापक्ष के ऊपर केस है तो 50% विपक्ष के ऊपर केस रहता था। इनके में देखिए एकदम प्रमोशन बदल गया, 95% टारगेटेड, तो किसको, विपक्ष को? क्या क्या खेल है, क्या मजाक है? सरकार में आप लोग बैठे हुए हो, आपके पास सारी सुविधा है, करप्शन आपने पॉइंट बढ़ा दिया 7.93
गया है और टारगेट विपक्ष को। अरे व्याकुल भारत बनने से कुछ नहीं होगा। बता देते हैं 2011 में सीबीआई ने केस बंद कर दिया था लालूजी और तेजस्वी जी उसके खिलाफ और ये बोला था कि कोई एविडेंस नहीं है। 2017 में आपने फिर से ओपन करवाया जब नीतीश कुमार जी के साथ जो है तेजस्वी जी 12 में तो सजा हो गई थी, 13 में सजा हो गई थी। अच्छा देखिए झारखंड से 2013 में लालू जी को सजा हो गई। चंपई सोरेन अपने विधायकों की गिनती कर रहे हैं कैमरों के आगे। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, चंपई सोरेन वहां पर एक एक गिनती कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके पास कितने विधायक हैं। राज्यपाल के पास वो 47 विधायक लेकर गए थे। सुनिए सुनिए 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 41 43 44 कहते हैं लोकतंत्र में जिसके पास संख्या है उसके पास सत्ता है और शायद चंपई सोरेन यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास सत्ता वाला नंबर है। लेकिन ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो चुका है। आप सभी प्रवक्ताओं का, नेताओं का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।